प्रतापगढ़ के कुंडा से बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई राजनीतिक पार्टी बनाने की आधिकारिक घोषणा करते हुए एक नई बहस को जन्म दे दिया है। गौरतलब है कि राजा भैया ने जातिगत आरक्षण पर हमला बोलते हुए कहा, आरक्षण योग्यता के आधार पर हो न कि जाति के आधार पर। आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिन आईएएस या आईपीएस के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं उन्हें आरक्षण की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि एससी एसटी एक्ट, आरक्षण का दुरुपयोग और जातिवादी योजनाओं को देखते हुए एक नई पार्टी की जरूरत को महसूस किया जहां से उन लोगों की आवाज उठाई जा सके। जो व्यक्ति आईएएस आईपीएस या बड़ा अधिकारी हो चुके हैं उनकी संतान को आरक्षण की क्या आवश्यकता है। उनकी संतान विदेशों में पढ़ रही है, वो धन संपन्न है, उनकी विपन्नता दूर हो चुकी है और उनके बजाय उन्हीं की बिरादरी के, उन्हीं की दलित बिरादरी के अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति को आरक्षण का अगर लाभ मिले तो सबका उत्थान होगा। राजा भैया ने ये भी कहा कि दलित समाज हमारा अभिन्न अंग है और समाज में उनका भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरों का, लेकिन जातिगत आधार पर आरक्षण देकर स्वर्णों को अनदेखा किया जा रहा है और संविधान में सबको समान अधिकार प्राप्त है। राजा भैया ने उदाहरण देते हुए कहा कि आज अगर किसी दलित की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसके लिए अलग मुआवजे का प्रावधान है। अगर वही सामान्य वर्ग के साथ ऐसा हुआ तो सरकार का रवैया अलग होता है। अपराध किसी के भी साथ हो सभी को एक नजर से देखा जाना चाहिए। अगर जाति के आधार पर न्याय दिया जाएगा तो दलित कभी भी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। बलात्कार एक बहुत घृणित अपराध है और समय समय पे आप लोगों के माध्यम से लोगों में चेतना जागृत होती रहती है और आप लोगों के माध्यम से न्यायालय और पुलिस प्रशासन इसमें कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होता है। लेकिन एक दलित की बेटी का यदि बलात्कार हो, यदि छेड़खानी हो तो उसको एक रकम दी जाए। नॉन दलित की बेटी के साथ अगर वही घटना हो तो उसके साथ वो सहायता राशि, वो अनुकंपा राशि न मिले, ये गलत है। इसके खिलाफ हमारी आवाज है। हत्या है बहुत जघन्य कृत्य है और किसी के घर परिवार में किसी की हत्या हो जाए, लेकिन नॉन दलित में अगर हत्या हो जाती है कोई राशि नहीं मिलती है। दलित की यदि हत्या होती है तो 8,40,000 रुपए उसको सरकार की तरफ से मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि उनका कम कर दीजिए, यहाँ पे ये स्थिति मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, लेकिन किसी भी लड़की के साथ यदि बलात्कार हो, छेड़खानी हो, अभी हाल में ये एक समाचार आया था कि साहब अगर दलित लड़की का बुरी नीयत से पीछा किया जाएगा तो उसको 1,00,000 रुपए मिलेगा। अच्छी बात है, तो क्या पीछा करने वाला ये पूछेगा, जात बिरादरी पूछ के पीछा करेगा क्या? ये सहायता राशि या सरकार के द्वारा ये दी जाने वाली राशि ये सभी बिरादरी की बेटियों के लिए और जिसकी भी हत्या हो उसके परिवारजनों के लिए हम बराबरी की मांग कर रहे हैं।